शुरू करते हैं चैप्टर 64 करंट लायबिलिटी ग्रुप इन टेली ईआरपी 9। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, करंट लायबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है चालू दायित्व। और अगर आप फिर से वही चालू समझ रहे हैं तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्या बताया था, चालू दायित्व से मतलब होता है वो दायित्व जो कभी घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट 12 मंथ में हमें पे करने पड़ते हैं। जैसे लेनदार, जो मेरी लायबिलिटी है यानी दायित्व है, अगर कोई मुझसे पैसे मांग रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको पैसे दूं। और अगर आज मुझसे कोई 5,000 रुपये मांगता है तो कल 6,000 रुपये भी मांग सकता है, और अगर 3,000 रुपये दे भी दूंगा तो 3,000 रुपये और मांग सकता है। तो इस तरह जो हमारे लेनदार होते हैं वो कभी घटते हैं और कभी बढ़ते हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि जल्द से जल्द हम जो भी लेनदार हैं उनको रुपए दे दें, चाहे 1 महीने में दें, चाहे 2 महीने में दें या फिर 3 महीने में दें। तो ऐसे सभी दायित्व जो घटते हैं या बढ़ते रहते हैं वो चालू दायित्व कहलाते हैं, और जिन दायित्व को आज नहीं तो कल चुकाना ही पड़ता है वो सभी करंट लायबिलिटी कहलाते हैं। तो आप देखते हैं कि करंट लायबिलिटी के ग्रुप में कौन कौन से लेजर बनते हैं। तो दोस्तों, यहां पर भी करंट लायबिलिटी में कोई भी लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। करंट लायबिलिटी के अंडर में जो सब ग्रुप आते हैं उन ग्रुप के अंदर लेजर बनते हैं, जिनके बारे में हम अभी तक सीख चुके हैं। जैसे पहला सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेनदार, लेनदार कभी घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं, और लेनदारों को जो भी है पैसा हमें चुकाना पड़ता है, चाहे 1 महीने में चुकाएं, चाहे 2 महीने में, चाहे 3 महीने में। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी है, और जो भी लेजर बनेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में बनेंगे। इसी तरह अगला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो जो सरकार को हमें GST पे करना है वो भी कभी घटता है कभी बढ़ता है, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर भी जो लेजर बनते हैं वो हमारी करंट लायबिलिटी है। इसी तरह कस्टमर्स एडवांस डिपॉजिट, अगर हमने किसी कस्टमर से एडवांस में पैसे लिए हुए हैं और जो भी पैसा कस्टमर से एडवांस में लिया हुआ है वो हम पर लायबिलिटी है, या तो वो पैसा हम उसको वापस रिटर्न करें या उन पैसों के बदले में जो भी माल उस कस्टमर को देना है वो माल दे दें, तो कस्टमर्स एडवांस डिपॉजिट भी करंट लायबिलिटी है। तो दोस्तों, आपको जो भी लेजर बनाने हैं वो सब ग्रुप में बनाने हैं, करंट लायबिलिटी के ग्रुप में कोई भी लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे लेजर हो सकते हैं जिनका ग्रुप करंट लायबिलिटी लिया जाता है। अब देखते हैं करंट लायबिलिटी ग्रुप का नेचर क्या होता है। तो यहां पर भी मुझे लगता है कि आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप के नाम में ही लायबिलिटी जुड़ा हुआ है, और अब तक हमने जो भी समझा है उसमें ये साफ पता चलता है कि यहां पर उन रुपयों की बात हो रही है जो हमें किसी ना किसी को देने हैं। तो इस बेसिस पर करंट लायबिलिटी ग्रुप का नेचर लायबिलिटी का होता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के अगर आप PDF में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। दूसरे किसी भी ग्रुप के बारे में समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।